गाइस, अगर आपका भी फेसबुक अकाउंट कुछ इस प्रकार से लॉक हो चुका है, योर अकाउंट हैज बीन लॉक वाली प्रॉब्लम आ रही है, एंड गाइस यहां पे आपके सामने नीचे गेट स्टार्ट का बटन आ रहा है। जब भी आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो वहां पे आपके सामने कन्फर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन आ रहा है। एंड गाइस, आप अपना फेसबुक अकाउंट अनलॉक नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास आपका रियल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी को जो ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप जो अपने अकाउंट को अनलॉक कर सकते हैं एंड फिर से आप अपना फेसबुक अकाउंट यूज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में आपको जो करना क्या होगा, सबसे फर्स्ट में आपको जो अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा एंड क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको फेसबुक लिख के सर्च कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉग इन पे क्लिक करना होगा एंड लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आपको जो अपना लॉक अकाउंट यहाँ पे लॉग इन कर लेना होगा, ठीक है, आईडी पासवर्ड डाल के। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू टैब बनाना होगा एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना होगा फेसबुक हेल्प सेंटर, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे फेसबुक हेल्प सेंटर लिख के सर्च कर देते हैं। यहाँ पे आपको भी सेम इस तरीके से फेसबुक हेल्प सेंटर लिख के सर्च कर देना होगा, ठीक है। एंड जैसे आप फेसबुक हेल्प सेंटर लिख के सर्च कर देंगे तो यहाँ से आपके सामने कुछ इस प्रकार से हेल्प सेंटर, फेसबुक हेल्प सेंटर, रिकवर योर फेसबुक हेल्प, यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में हेल्प सेंटर फेसबुक पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं एंड जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने अकाउंट सेटिंग, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने लॉगिन एंड पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको लॉगिन एंड पासवर्ड पे क्लिक करना होगा। देन उसके बाद यहाँ से आपके सामने लॉगिन इनटू योर अकाउंट, चेंज योर पासवर्ड, फिक्स ए लॉगिन प्रॉब्लम, अपलोड योर आईडी का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिक्स से लॉगिन प्रॉब्लम पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एंड जैसे आप फिक्स से लॉगिन प्रॉब्लम पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। फर्स्ट में रिकवर योर फेसबुक अकाउंट इफ यू कैंट लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में क्लिक कर देना होगा। एंड फर्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ से आपके सामने वाज दिस हेल्पफुल, यस एंड नो का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको नो पर क्लिक करना होगा, ठीक है। एंड नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सेकंड में द सोल्यूशन डज नॉट वर्क पे क्लिक करना होगा। एंड जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, कैन यू से मोर। तो यहाँ पे आपको जो है अपील को कॉपी करके पेस्ट करना होगा, ठीक है। अपील कहाँ से मिलेगा, अपील आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा। उसके बाद नीचे अपील में आपको जो अपने अकाउंट का इन्फॉर्मेशन डाल देना होगा, उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एंड जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपके सामने थैंक्स का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप करना होगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप करने के लिए आपको जो ऊपर में थ्री डॉट का एक आइकन देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद नीचे पॉलिसीज एंड रिपोर्टिंग का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद सेकंड में रिपोर्टिंग ए प्रॉब्लम विथ फेसबुक का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। एंड जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से आपके सामने एक ऑप्शन आता है गिव फीडबैक अबाउट इट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गिव फीडबैक अबाउट इट पे क्लिक करना होगा। एंड जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपके सामने अनप्रोडक्टिव फीडबैक का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अनप्रोडक्टिव फीडबैक पे क्लिक कर देना होगा। एंड जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपके सामने कुछ लोडिंग लेगा। देन उसके बाद यहाँ से आपके सामने गिव अस फीडबैक अबाउट ए फेसबुक फीचर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब योर ईमेल एड्रेस में आपको जो अपना ईमेल आईडी डाल देना होगा। उसके बाद नीचे प्रोडक्ट और फीचर में यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट पे क्लिक करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। लॉगिन सेलेक्ट कर लेना होगा। देन उसके बाद नीचे आपके सामने योर फीडबैक का ऑप्शन आ जाएगा लास्ट में। यहाँ पे आपको सेम वही अपील कॉपी करके पेस्ट करना होगा। देन उसके बाद नीचे आपका फुल नेम, नंबर, कंट्री सब कुछ डाल देना होगा। उसके बाद नीचे आपके सामने नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे अब आपको सिंपली सेंड पे क्लिक कर देना होगा। एंड जिसे आप सेंड पे नीचे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपके सामने फिर से हेल्प सेंटर का ऑप्शन आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपका दोनों स्टेप है कंप्लीट हो जाएगा, दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे अब आपको वेट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लगभग दो दिन तक वेट करना है। दो दिन तक वेट करने के बाद यहाँ पे आपको जो अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना है, तो भाई आपके फेसबुक अकाउंट में ऑप्शन चेंज हो जाएगा, गेट ए कोड बाय ईमेल, गेट ए कोड ऑन योर फोन, या फिर इंटर योर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ जाएगा एंड वहाँ पे आप अपना अकाउंट को इजिली अनलॉक कर पाएंगे। बट गाइस, ये जो ट्रिक है सभी के अकाउंट में वर्क नहीं करेगी, कुछ लोगों के अकाउंट में वर्क करेगी बट कुछ लोगों के अकाउंट में वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो भाई अगर आपके अकाउंट में वर्क नहीं करती है तो आप दोबारा से कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी के लिए फिर से एक न्यू ट्रिक लेकर आऊंगा जिससे आपका जो अकाउंट है फिर से ओपन हो जाएगा, फिर से अनलॉक कर पाएंगे, ठीक है। तो गाइस, यही था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना
एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आपको हेल्पफुल एंड जेन्युइन कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।